हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। टाइम है कुछ 5:50, यानी मैं लेने जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन से, बिकॉज़ आज विवेक गए हुए हैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा चिल आउट करने के लिए। आउट ऑफ सिटी है राइट नाउ। सो पूरा दिन काम में, बच्चों के साथ ट्यूशन, ये वो, किचन, लंच, और देन मैं सो गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आके। इट्स अप्रॉक्स 6 o'clock जैसे मैंने बताया। सो नाउ मैं जाऊंगी अब इनको ट्यूशन से लेने के लिए और आके बनाऊंगी चाय। और रात के डिनर का क्या करने वाले हैं हम लोग, वैसे मुझे नहीं पता। आई थिंक हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, बिकॉज विवेक नहीं है, सो हम तीनों ही हैं। सो वी गोना ऐश, यानी ऐश करने वाले हैं हम लोग। वेल गाइज, सनलाइट है बाहर। मैं हमेशा आपको यहाँ का वेदर ज़रूर बताती हूँ मेरे व्लॉग्स में, बताना भी चाहिए वैसे। चलो यार, मोस्ट अवेटेड वीडियो बना देते हैं आज। बहुत दिनों से मुझे बोल रहे हैं सब लोग, जयपुर का सामान नहीं दिखाया, आप क्या लाए थे आपने नहीं बताया। मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, आपको पता ही चल रहा होगा, पहले जैसी आवाज़ अभी भी नहीं हुई है, पहले जैसी ही आवाज़ है। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी जयपुर का सारा सामान, मैं क्या क्या खरीद के लाई थी। बेडशीट मैंने एक दिखा दी आपको, ये वाली देखो, बहुत सारा सामान पड़ा है, सो डोंट माइंड। ये वाली बेडशीट मैं लेके आई थी, ऑलरेडी मैं शो कर चुकी हूँ मेरे व्लॉग में आपको। और दूसरी जो बेडशीट है वो भी मैंने डाल के शूट किया हुआ है, मतलब उधर बिछाई हुई है, शूट भी कर लिया है। सो मैं इसके बाद ऐड कर दूँगी, आपको दिखा दूँगी। एंड अभी इन्हें ट्यूशन से लाने के बाद जो अलग से सामान लाई हूँ मैं, मेरे ड्रेसेस, सूट्स के कपड़े और इयररिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो मैं आपको ज़रूर से शो कर दूँगी। सो आज का ब्लॉग रहेगा स्पेशली फॉर जयपुर हॉल, काइंड ऑफ एज वेल एज माई ब्लॉग। ब्लॉग के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। आने के बाद बनाएंगे चाय, पियेंगे चाय बैठ के बिस्किट के साथ। अभी का तो फेवरेट है पार्ले जी, जैसे आप लोगों को पता है। सिर में चोट लगी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, बाइक से गिर गई मैं, और वहाँ कुछ पड़ा हुआ था नीचे लोहे का, वो मेरे सिर में जाके लग गया, तो मुझे चोट लगी हुई है थोड़ी सी, बट नो इश्यूज, आई एम अ ब्रेव वूमन ऑफ कोर्स। और दिखाऊंगी जयपुर का सारा सामान, ठीक है, आज तो दिखाई दूंगी। मैंने बहुत दिनों से बोला नहीं दिखाया, दिखाया नहीं दिखाया, दिखाऊंगी नहीं दिखाया, फाइनली सॉरी फॉर दैट, आज शो करूंगी, ठीक है। और घर के हालात अभी ऐसे हैं, घर में पूरे अंधेरा है। सर जिस रूम में मैं बैठी थी वहाँ पे लाइट थी, सब जगह की लाइट्स ऑफ हैं, आप देख लो, हाँ वहाँ से सनलाइट मेरे फेस पे आ रही है, बस दैट्स इट। ये मैं आ गई हूँ फ्रंट रूम में, यहाँ पे भी बच्चे सोफा ऐसे वैसे करके गए हैं, देखो सामान पड़ा हुआ है। यहाँ से सनलाइट मेरे फेस पे आ रही है, देखो गाइस, मेरी विंडो से वहाँ से सनलाइट डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ रही है। इजंट इट कूल? दिस इज़ अ कूल हाउस, आई लव दिस हाउस, दैट्स वाई, फुल ऑफ लाइट्स एंड फुल ऑफ एयर, गर्मी नहीं लगती, लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता। सो न्यू ईयर भी आ गया, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी मैंने आपको मेरा शेयर कर दिया, पतला होना है। येस ऑफ कोर्स, 10 kgs मुझे लूज करने हैं, और सब किसी ने करने चाहिए, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू। जो भी थोड़ा सा पुट ऑन कर गए हैं, जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 100% लूज कर लो वेट, इट्स नॉट गुड यार। आफ्टर 30s आई थिंक, या आफ्टर 30-35 वन शुड टेक केयर ऑफ द हेल्थ। आई मीन साल में कम से कम एक बार अपना रूटीन चेकअप, ब्लड चेकअप, सब कुछ करवाना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स ने आफ्टर 32-33 कैल्शियम एंड यू नो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कैल्शियम्स ये वो सब लेना चाहिए, एंड ब्लड वगैरह भी चेक करा लेना चाहिए। बिकॉज जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मुझे थायराइड हो गया था, पता ही नहीं चला था, और मेरा हेयर फॉल हो रहा था, सो इंस्टेंटली डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, दिन मैंने करवाया आपसे 6 साल पहले। अभी तो मुझे राइट नाउ कोई मुझे थायराइड नहीं है, अपने आप ही ख़त्म हो गया है मेरा, बट कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। सो बी केयरफुल गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने रूटीन चेकअप्स कराओ। 30 के बाद तो कराना ही चाहिए, 30s के बाद, 30-32 के बाद तो कराना ही चाहिए साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल वगैरह। मेरे हस्बैंड को वैसे भी हार्ट अटैक आ चुका है, आपको बता चुकी हूँ। अच्छा वैसे राइट नाउ अकेली हूँ मैं घर में। अच्छा मैंने बता दिया। और विवेक है सापुतारा करके, जो यहाँ पे हिल स्टेशन है,
जो मैं आपको घुमा भी चुकी हूँ मेरे ब्लॉग में, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना वाला ब्लॉग। सो वो गए हुए अपने चड्डी बडीज के साथ, आई मीन बचपन के फ्रेंड्स के साथ, टाइनी थे ना वो, छोटे छोटे, तो उनके जो फ्रेंड्स थे बिल्डिंग के उनके साथ वो गए हैं सापुतारा एंजॉय करने के लिए, आई मीन जैसे ऐसे ही जस्ट मतलब फॉर वन नाइट स्टे। सो वहाँ गए हुए हैं हम लोग, जाएंगे बाहर डिनर करने के लिए, कहाँ जाएंगे आई रियली डोंट नो, बच्चों को आने दो ट्यूशन से, देन विल डिसाइड। वेल मूव करते हैं ट्यूशन से लेने के लिए बच्चों को, थोड़ा बाल बाल ठीक कर लेती हूँ, बिखरे पड़े हैं। ठंडी है, ठंडी है, काफ़ी ठंडी है, इसीलिए देख लो मैंने जो है पूरा स्वेटर टाइप पहना हुआ है और नीचे फुल जीन्स और नीचे सॉक्स भी हैं। सो ठंड तो है। ब्यूटी गाइज, एकदम सनसेट होने की तैयारी है, आई थिंक या एग्जैक्ट आई थिंक 6:15 समथिंग का टाइम है। वाओ इट्स ऑरेंजिश, दिस इज़ माई बालकनी व्यू, हाँ ब्यूटीफुल ना। तो चलो गाइज चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं ट्यूशन से, ठीक है, आने के बाद बात करेंगे, अभी मैं निकलती हूँ, लेट हो जाऊँगी, फिर वो चिल्लाएगा मुझ पर, मम्मा आप लेट आते हो लेने के लिए, अभी वेट कर रहा होगा। सो सी यू गाइज, आके मिलती हूँ, बाय बाय। कार्टून देखी देखी, मेरा बच्चा कार्टून देखी देखी, भगवान की पूजा की मेरे बच्चे ने, मेरे बच्चे ने भगवान को प्रणाम किया, और मेरा बच्चा जो है 4 घंटे ट्यूशन पढ़ के आया है, 4 आवर्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड ही इज़ टोटली टायर्ड, और आके खाया इसने 4 बिस्किट दबा के, है ना बाबू, बाबू थकी थकी, हाँ बाबू टायर्ड हो गया, फ्रेश हो रहा है कार्टून देख के, है ना। ये देखिए सब बच्चों का प्यारा शिंगचैन, शिंगचैन है ना अभी ये, हर्षा मेरा बच्चा, हर्षा हर्षा बाबू मेरा। What are you doing, Prisha? कल मेरा सैलेड मेकिंग कंपटीशन है, so I'm just making तैयारी of it. You doing तैयारी of it? है तैयारी कर रही है, क्या क्या लेके जा रही है, क्या क्या लाई है सलाद मेकिंग के लिए, कहाँ है दिखा, ये भी सलाद में डलेगा, एप्पल, ग्वावा, कुकुम्बा, ग्रेप्स, कैप्सिकम, टोमेटो भी ना, कैसे करने वाली बताए, सुन ना टोमेटो भी लेके, टोमेटो भी लेके जाएगी ना, टोमेटो मेरी फ्रेंड लाने वाली है, अच्छा ये सब तुम लेके जाने वाली हो, और कैप्सिकम को मैं ऐसे एज अ बकेट, गॉड मैंने हवन किया ना पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है, एक विंडो ओपन कर देती हूँ, लेके कहाँ से आ गई, ऐसे ही बस जस्ट एक ट्रायल किया था, लाइव आ रही हूँ। मम्मी मैं एप्पल का क्या करूँ, क्यों मैंने मूर्खता कर दी, मैंने एप्पल अभी से काट के रख दिया, कल मॉर्निंग में एप्पल लेके जाने थे ना, कल इसका सैलेड कंपटीशन है, और मम्मी एप्पल का क्या करूँ, अब उसे क्या सिंधी पे, नहीं 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 उसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में बंद करके रख दो, कोई और ऑप्शन नहीं है बाबू। मैं आ रही हूँ लाइव, और आईज मैंने बनाई है काजल से, मेबेलिन का काजल, बिल्कुल स्मच फ्री काजल, आप कोई भी काजल लेके आईलेट पे लगा के इसको हल्का सा मर्ज करके ब्लेंड करके मैंने ये आईज बनाई है, मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया है, कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और इस क्लिपिंग के बाद मैं ऐड कर दूंगी जो भी जयपुर का सामान है उसकी क्लिपिंग्स। सो मैं ये ब्लॉग यहाँ पे अब आपसे बातचीत करके एंड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लाइव आना है ऑलरेडी, आई थिंक बता देती हूँ कितना बजे है, यस इट्स 9:05, मुझे आना है लाइव, सो अब मुझे ब्लॉग एंड करना पड़ेगा। मैं सोची थी आपको ऐसे कर करके सामने दिखाऊं कि भाई ये मैंने लिया था कुछ जयपुर से, ये लिया था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, सारा काम निपटा रहा, मैंने पूजा भी की घर पे आके, मैं रोज़ हवन करती हूँ जैसे आपको पता है, सो मुझे टाइम लग गया। सो अब मैं बातचीत के बाद ब्लॉग कर रही हूँ एंड, लास्ट में ऐड कर दूंगी सारी क्लिपिंग्स जो भी मैंने सामान जयपुर से लिया था, आपको एक 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 करके सब दिखाऊंगी आप बेड पे लगा के, ठीक है। सो बस जल्दी से बाय कर रही हूँ, कहाँ गई है ये, नीचे गई है, कहाँ गई है, पूरा फैला के रखा हुआ है इसने, देखो कल इसका सैलेड कॉम्पिटिशन है, इसने पूरे घर को सैलेड बना डाला है, वहाँ बैठ के फ़ोन पर बातें कर रही है। चलो गाइस घर को इसने सैलेड बना के रखा है, सैलेड कंपटीशन क्या हो गया यार, पूरे घर को सैलेड बना डाला है, चलो
आती हूँ लाइव, मिलती हूँ आपसे, करती हूँ ढेर सारी बातें। और अगर ये छोटू 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 सा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम कोई चैनल देख रहा है तो क्या करना है पता है, सब्सक्राइब करना है, बाजू में नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई ऑल वीडियोज एंड माई लाइव सेशंस। बहुत आवाज़ें आ रही हैं बिकॉज फ़ोन पे बात कर रही है, अभी नीचे गया हुआ है। अभी अभी मैंने ब्लॉग थोड़े रेगुलर स्टार्ट किए हैं सो शायद थोड़े बहुत ऐसे ऐसे बन रहे हैं, रेसिपीज़ नहीं हैं आई नो, मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं हैं आई नो, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, सॉरी फॉर दैट गाइज। धीरे 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 ग्रेजुअली आई विल कम ऑन द ट्रैक जिसपे मैं जा रही थी। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, अभी जाती हूँ मैं, मुझे आना है लाइव, ठीक है। सो चलो शुरुआत करते हैं बेडशीट से। ये मैंने जयपुर से ली थी, बापू बाज़ार से ली थी, एकदम जयपुरी स्टाइल बेडशीट है। ये मेरा रूम है, बहुत लोग कहते रहते हैं आपका रूम दिखाओ, सो दिस इज़ माय बेडरूम, ये मेरा और विवेक का बेडरूम है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी चादर है ब्लू कलर की जो कॉम्प्लीमेंट कर रही है मेरे रूम के ब्लू कलर को, कुशन कवर्स भी हैं साथ में। सो ये है चादर, दूसरी मैं दिखा चुकी हूँ आपको। सो सबसे पहले मैंने लिया है ये कुर्ती का कपड़ा, कॉटन है, हैंड प्रिंटेड है, आई थिंक वहाँ जयपुर जो है वो फेमस है हैंड प्रिंट्स के लिए, वेजिटेबल प्रिंट्स के लिए। सो ये जो है कुर्ते का कपड़ा है, प्रिशा ने अपने लिए लिया है, और इसके नीचे वो या तो लेगिंग्स या फिर प्लाजो कुछ भी यूज़ करेगी। ये भी प्रिशा ने अपने लिए लिया है, ये भी कुर्ती का कपड़ा है, प्योर कॉटन है, और जयपुर जो है वो फेमस है इस टाइप के कपड़ों के लिए, वेजिटेबल प्रिंटिंग है। ये कुर्ती ली है प्रिशा ने, एक मिनट आई शो यू, इस टाइप की कुर्ती है, पूरे बाजू की है, फुल स्लीव्स की कुर्ती है। और ये जो बेडशीट बिछी हुई है ये भी जयपुर वाली ही है, आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। सो ये कुर्ती ली है, ये कुर्ती का कपड़ा है, ये कुर्ती का कपड़ा है, देन लिया है ये प्लाजो मैंने अपने लिए, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, मुझे बहुत पसंद आया, प्योर कॉटन का है, और सब बहुत रीजनेबल मिला है। सब कुछ मैंने बापू बाज़ार से लिया है, जो ऑलरेडी मेरे व्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ आपको, बापू बाज़ार इट्स अ फेमस मार्केट फॉर रीजनेबल रेट्स, रीजनेबल प्राइस पे सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। सो ये सब मुझे आई थिंक 120 या 130 पर मीटर मिला है, जिसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया उन्होंने मुझे, ये भी, और ये इसका प्राइस मैं भूल गई हूँ, आई थिंक 200-300 के अंडर था ये कुर्ती, और ये कुछ था 500 समथिंग का, इसमें मैंने बार्गेन किया था, बट कॉटन इज़ रियली अमेजिंग, बहुत अच्छी कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है। सो ये प्लाजो के साथ आप टॉप भी कंबाइन कर सकते हो या कुर्ती भी कंबाइन हो सकती है, इनफैक्ट इसके साथ भी ये बहुत अच्छा चलेगा। थर्ड मैंने लिया है ये ड्रेस का कपड़ा, कुर्ते सलवार का कपड़ा है, प्योर कॉटन है और वेजिटेबल प्रिंटिंग है आई थिंक, देखो आप कितना ब्यूटीफुल है, इट्स अ प्योर कॉटन मटेरियल, और जो इसकी सलवार है वो कुछ ऐसे है, कहाँ से है, कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ सलवार का कपड़ा है, और ये पूरा ड्रेस मैंने अपने लिए लिया है, ये प्लाजो और ये ड्रेस मैंने अपने लिए लिया है। ये सब प्रिशा का है, अभी पीछे चिल्ला रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये इसके साथ इसका शिफॉन का चुन्नी आया है, बहुत सॉफ्ट है। सो ये लिए हैं मैंने कपड़े, और भी थोड़े लिए हैं वो भी दिखा देती हूँ। देन लिया है मैंने ये सिल्क का कपड़ा, ये भी कुर्ते का कपड़ा है, सिल्क है और बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम ट्रेडिशनल जयपुरी स्टाइल का कुर्ते का कपड़ा है ये, अलग से कपड़ा है, इसको सिलवाना पड़ेगा। सो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, इस पर पूरा मिरर वर्क है आप देख सकते हो। और एक मैंने लिए ये चुन्नी दुपट्टा लिया है, बिल्कुल जयपुरी स्टाइल का सिल्क का दुपट्टा है जिसपे गोटा वर्क है यहाँ पे, और इसका प्राइस था कुछ 700 उन्होंने बोला था और मैंने कुछ 450 दिया था, बापू बाज़ार से ही लिया था। ये भी कुछ समथिंग 350 समथिंग में मेरे को 2.5 मीटर कपड़ा मिला है। सो बापू बाज़ार इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर शॉपिंग गाइस। सो ये इसके साथ मैं सोच रही हूँ कुछ पिंक कलर का सिल्क का प्लेन कुर्ता सलवार या पजामी कुर्ता सिलवाऊँ, और उसके ऊपर ये बहुत अच्छी जाएगी एक्चुअली। सो ये लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी ली है प्रिशा ने बहुत सारी, वो भी दिखा देती हूँ। प्रिशा ने एक लिया है ये क्लच, बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल सा क्लच है। सो एक ये क्लच लिया है, देन ली है इसने ये माला, पर्ल्स या क्या हैं, बहुत सारे ड्रेसेस पे मैच हो जाती है। देन लिए हैं इसने ये इयररिंग्स बहुत सारे लिए हैं इसने, और भी लिए हैं, ये वाले इयररिंग्स लिए हैं, देन ये भी बड़े प्रिटी से हैं। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे जयपुर का सामान नहीं दिखाया, सो आज मैंने सोचा फाइनली दिखा दूँ मैंने क्या क्या लिया था। देन इसके बाद इसने लिए हैं ये, माय गॉड इट्स सो प्रिटी, सी गाइस इट्स ब्यूटीफुल। सो ये वाले इयररिंग्स हैं, और इसके बाद है ये झुमकी इयररिंग्स,
छोटे छोटे से, जो कि जयपुर की बड़ी ही फेमस चीज़ है ये, इस टाइप के जो झुमकी इयर रिंग्स होते हैं। फोकस फोकस, या सो ये लिया है और एक मेरे पर्स में है, वो भी दिखा देती हूँ। और ये जो बेडशीट है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो बेडशीट है ये भी जयपुर वाली ही है। और क्या लिया था, और ये वाले इयर रिंग्स लिए हैं मैंने मेरे लिए। वैसे मेरे कान के होल्स ख़राब हैं, आप लोगों को पता है, बट वेरी सून मैं होल करवाने वाली हूँ मेरे ईयर्स में। सो ये मैंने मेरे लिए लिए हैं, बहुत प्रिटी है ना। देन है ये वाले इयर रिंग्स, ये भी प्रशा ने अपने लिए लिए हैं, ये भी उसने जयपुर से बाई किए और आई थिंक बापू बाजार से समथिंग कितने में मिल गए थे प्रशा, ये तो बहुत सस्ते थे, ये कुछ 150 या 200 में पड़े हैं। और बाकी के भी सब 60, 90 पर्स, फिर ये तीन इयररिंग्स पे मिलके मेरा कुछ 300 में मिल गया था। या सो वेरी रीजनेबल मार्केट हाँ गाइस, बापू बाजार, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। एंड मैं आपको इसके बारे में बताना भूल गई, ये एक्चुअली रियल जेम्स है। मुझे तो पता नहीं था, प्रिशा ने मुझे बताया, ये रियल जेम्स है ना प्रिशा? और ये कुछ हमें 100 रुपीज का ये मिला था, और ये बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स के साथ जाता है। सो ये लिया है प्रिशा ने। देन ये मैंने कुछ डेकोरेटिव चीज़ें ली हैं वहाँ से, बहुत ही प्रिटी से डोर पे लगाने वाले हैंगिंग्स हैं गणपति वाले, और वहाँ की बड़ी फेमस चीज़ है। सो इस तरह से हैं, और ये डोर के दोनों तरफ लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ट्रेंडी और बड़ा ट्रेडिशनल सा लगता है। सो ये मैं डोर के साइड्स पे लगाने के लिए लेके आई हूँ। देन ये एलिफेंट्स लिए हैं मैंने, ग्लास वर्क है इस पे, बड़े प्यारे से हैं। और देन लिया है मैंने ये फेसेस लिए हैं, दीज आर द लाइक शो पीसेस सजाने के लिए ड्राइंग रूम में, जो कि मैंने ड्राइंग रूम में सजा भी दिए हैं ऑलरेडी। सो ये सब मैंने कुछ जल महल के बाहर से लिया था, जल महल के बाहर कुछ लोग ये सब बेचते हैं, वहाँ से ये पूरा स्टफ लिया था। एंड आई थिंक इट वाज कॉस्टिंग समथिंग, सबका मिला के मैंने कुछ 300 पे किया था, 350 समथिंग फॉर दिस दिस एंड दिस। सो ये थी मेरी जयपुर की शॉपिंग, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे और मैं दिखा नहीं पा रही थी, सो आज फाइनली मैंने आपको दिखा दिया। ये बहुत प्यारे एलिफेंट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और बहुत ट्रेंडी लगते हैं, बहुत ट्रेडिशनल लगते हैं, और ये डोर के बाजू में लगाने के लिए। सो दैट्स ऑल, मैंने इतनी ही शॉपिंग की है वहाँ से, इससे ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। और होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।